नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वीं सीजन के 54वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हरा दिया। इस जीत की वजह से कोलकाता प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पैट कमिंग्स ने इस मैच में 4 विकेट हासिल किए, जो कोलकाता की जीत में अहम साबित हुए। करो या मरो के मुकाबले में उतरी कोलकाता नाइट राइडर ने राजस्थान रॉयल्स के सामने कप्तान ईयन मॉर्गन के 68 रन की पारी की बदौलत 191 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना पाई। इस जीत के बाद राजस्थान की टीम 12 अंकों पर रहने की वजह से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई, जबकि कोलकाता नाइट राइडर की टीम 14 अंक हासिल कर अब भी टूर्नामेंट में बनी हुई है। बता दें, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस मैच में पैट कमिंस की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 34 रन देकर कुल 4 विकेट चटकाए। पैट कमिंस के गेंदबाजी की खास बात यह रही कि शुरुआत में ही उन्होंने राजस्थान के टॉप ऑर्डर पर हमला करते हुए टीम की कमर तोड़ दी। रॉबिन थुप्पा, बेन स्टोक, कप्तान स्टीव स्मिथ और रियान पराग का विकेट इस गेंदबाज ने हासिल किया। पैट कमिंस ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उथप्पा का विकेट हासिल किया। इसके बाद अगले ओवर में पहली गेंद पर बेन स्टोक को वापस भेजा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस ने कप्तान स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया। इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने रियान पराग को आउट किया। बता दें, पिछले साल हुई नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के इस गेंदबाज पर 15 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगाकर टीम में शामिल किया था। 2 करोड़ की बेस प्राइस पर नीलामी में शामिल हुए कमिंग्स के लिए कोलकाता की टीम ने 15.50 करोड़ की बोली लगाई थी। टूर्नामेंट में कोलकाता के लिए सबसे अहम मुकाबले में पैट कमिंग्स का ये प्रदर्शन वाकई सराहनीय रहा। बता दें, आईपीएल 2020 के 54वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने राजस्थान रॉयल्स को 60 विकेट से मात देकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। केकेआर अब 14 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है, लेकिन प्लेऑफ का टिकट उन्हें बाकी टीमों के नेट रन रेट के आधार पर ही मिलेगा। केकेआर की इस जीत में अहम रोल अदा करने वाले पैट कमिंग्स ने अपने स्पेल में पहले ही ओवर में 19 रन उठाए थे। इस ओवर में उन्होंने 1 विकेट भी लिया था। उस ओवर के बारे में बात करते हुए पैट कमिंग्स ने मैच के बाद कहा, उस समय आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, पहले कुछ गेंदें अच्छी नहीं थी, जब तक आप अपनी बेस्ट गेंदबाजी नहीं करते ये ठीक है, ऊपर गेंदबाजी करना मेरे लिए अच्छा रहता है, लेकिन नई गेंद के साथ ऐसा करना थोड़ा जल्दी था, तो मैं जितना हो सकता था उस जगह पर गेंदबाजी करना चाहता था। बता दें, पहले ओवर में रन उठाने के बाद पैट कमिंग्स ने जोरदार वापसी की और अगले 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट छटके। फिलहाल के लिए खबरें में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।